हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स आई एम खुशी एंड टूडे आवर टॉपिक इज ग्राफिकली लोकेशन ऑफ मोड मोड को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर देखो मोड से रिलेटेड मैं ऑलरेडी टू वीडियोज़ कवर कर चुकी हूँ जिसमें फर्स्ट वीडियो जो थी उसका मीनिंग हमने किया था फिर हमने किया था उसकी मेरिट्स एंड डी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ठीक है तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी हमने स्टडी किया था इसके बीच में आफ्टर दिस मीनिंग मैंने आपको क्या करवाया था कि इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है सो फाइंड आउट करने के तीन तरीके होते हैं द फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज हो तो हम मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर क्या कहता है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो तो हम मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो हम मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो फिर आगे दो मेथड होते हैं द फर्स्ट इज इंस्पेक्शन मेथड एंड द सेकंड इज कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज ठीक है हमें इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता था इसमें आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें सो देट आप अगर इस वीडियो को देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके ठीक है तो अगर हम जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ तो डिस्क्रीट सीरीज में भी दो तरीके होते हैं द फर्स्ट इज इंस्पेक्शन मैथड एंड द सेकेंड इज ग्रुपिंग मैथड ठीक है ग्रुपिंग मैथड एंड इंस्पेक्शन मैथड अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है फार्मूला क्या था हमारे पास एल प्लस एफ़ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई आई जेड इज इक्वल्स टू ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला था सी मतलब कॉन्टिन्यू सीरीज के अकॉर्डिंग उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा ये फर्स्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में ये करवाया था फिर सेकेंड वीडियो में हमने क्या किया था सेकेंड वीडियो की तरफ जब हम चले थे तो हमने बाई मॉडल सीरीज की थी बाई मॉडल सीरीज क्या होती है बाई मॉडल सीरीज एक तरीके से पार्ट है ऑफ ग्रुपिंग मेथड हमने यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड किया था उसी तरीके से जब बाय मॉडल आता है तो क्या होता है जैसे कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि जब एक सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक जैसी आ जाए जैसे हमने पीछे एक सम किया था तो उसमें क्या आया था फाइव एंड फाइव दोनों आ गए अब हम मॉडल इसके एक्स इसका एक्स अलग है इसका एक्स अलग है तो हम मॉडल वैल्यू जो है मोड है वो इस एक्स को बोलें या इस एक्स को बोलें वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है तो इस बेस पे हम क्या करते हैं हम यहाँ पर एक इंफीरियल मोड यूज करते हैं इम्फीरियल मोड जो होता है उसमें क्या करते हैं हम जेड इज इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार मतलब कि जेड मतलब मोड मोड इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीपल ऑफ मीडियन माइनस टू मल्टीपल ऑफ मीन तो इस तरीके से क्या है इस फॉर्मूले को फाइंड आउट किया जाता है ठीक है मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जेड इज इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू मीन तो अगर क्या कहता है कि अगर हमें सीधा सीधा मोड निकालना है तो हम क्या करेंगे तीन गुना करेंगे किसको मीडियन को मीडियन का तीन गुना उसमें से फिर क्या माइनस करेंगे हम माइनस करेंगे दो गुना मीन को तो इस तरीके से क्या है हमारा जो मोड है वो फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है अगर हमारे पास ये सिचुएशन अराइज होती है बाई मॉडल की तो एट द एंड हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को लगा के हमारा जो मोड है उसको फाइंड आउट करेंगे तो आज हम क्या कर रहे हैं हमारे जो ये ग्राफिकली लोकेशन करेंगे हम मोड की कि मोड को ग्राफिकली कैसे देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी मोड की होगी इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ एग्जांपल क्या कहता है कि हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के जैसे कि हम पहले भी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही हर एक क्वेश्चन को समझते आए हैं तो यहाँ पर कहा गया है जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी यहाँ तक हमें मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिसे हम फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ठीक है तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो है फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फो ट्वेंटी टेन एंड फाइव इस तरीके से हमें एफ भी दे रखी है अब यहाँ पर क्या कहता है एक चीज़ आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ कि जब मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो करवाई थी फर्स्ट वीडियो में मैंने जब आपको मेरिट्स करवाई थी तो इसकी एक मेरिट मैंने आपको बताई थी तो इसकी मेरिट क्या थी थोड़ा सा रिमाइंड करो मेरिट क्या बोलती थी मेरिट क्या कहती थी कि मोड कैन बी लोकेट ग्राफिकली with the help of किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोड को विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या होता है हिस्टोग्राम एक तरीके के एज सिमिलर टू बार डायग्राम होता है लेकिन बार डायग्राम में हम क्या करते हैं हम बीच में स्पेस छोड़ते हैं बार डायग्राम की लेकिन यहाँ पर जो हिस्टोग्राम होता है उसके बीच का जो ये स्पेस होता है वो नहीं छोड़ा जाता हम आगे करके दिखाएंगे कि किस तरीके से बार डायग्राम बनता है तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क होता है बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में हम आगे अब करके दिखाएंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है बस इतना ही फर्क होता है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में कि बार डायग्राम के बीच में ये स्पेस छोड़ा जाता है इक्वल स्पेस छोड़ा जाता है लेकिन हिस्टोग्राम में ये स्पेस नहीं छोड़ा जाता तो हिस्टोग्राम देखते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनता है मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें मैंने हर एक चीज को डिफाइन किया था ओगिव हिस्टोग्राम और पॉलीगोन इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया था उसमें तो अब देखो हम हिस्टोग्राम को दोबारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ के देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है जीरो टू टेन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो ये यह लाइन यहाँ ऐसे स्ट्रेट रखना विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर सो यहाँ जीरो या ओ जिसे बोलते हैं ओ फॉर ऑ और जीरो भी हम इसे बोल सकते हैं एंड दैट इज़ एक्स यहाँ जो नीचे है वहाँ आएंगे मार्क्स यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी आएगी ठीक है तो यहाँ देखो हम टेन टेन का गैप लेते हैं लेकिन इक्वल गैप होना चाहिए ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी ठीक है और यहाँ पर भी गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए हम यहाँ पर फाइव फाइव का गैप ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फाइव से लेके कर ट्वेंटी फाइव तक ही है सो so, फाइव तक ख़त्म हो जाएगा थोड़ा गैप फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ठीक है तो इस तरीके से बनाएंगे उसके बाद देखो यहाँ क्या कहता है ज़ीरो टू टेन ओनली फाइव जीरो टू टेन फाइव तो यहाँ तक देखो यहाँ से बिल्कुल इसी स्पेस से शुरू करके हम यहाँ तक बनाएंगे इसके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होगा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहीं से हम लेंगे तो नेक्स्ट क्या है टेन से ट्वेंटी टेन से ट्वेंटी देखो अब यहाँ पर टेन से ट्वेंटी कितना है टेन तो टेन ये रहा तो बिल्कुल इसी के साथ विदाउट स्पेस uh, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे ओके okay, देन क्या कहता है कि ट्वेंटी टू थर्टी ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी तक ले जाओ इसको ठीक है उसके बाद क्या कहता है कि हमारा ट्वेंट थर्टी टू फोर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी टू फोर्टी ट्वेंटी फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव यहाँ तक क्लियर है नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि फोर्टी टू फिफ्टी ट्वेंटी फोर्टी टू फिफ्टी कहाँ तक ट्वेंटी तक फिर क्या कहता है फिफ्टी टू सिक्सटी टेन टेन अगेन यहाँ फिर क्या कहता है सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव तो यहाँ पर सिक्सटी टू सेवेंटी कितना करेंगे हम सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है उसके बाद देखो अब हम मोड हमें क्या कहता है कि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अब इसमें हमारी क्या होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अब देखो जो सबसे टॉप पे जा रही है ठीक है वो हमारी हाईएस्ट होगी तो हाईएस्ट ये वाली टॉप पे जा रही है अब इसको क्या करो इस पॉइंट को इस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको यहाँ से मैच करो फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको यहाँ से भी इसको क्या है मैच करना है ठीक है जब आप इसको कर दोगे तो इसके बीच में एक पॉइंट निकलेगा जो ये पॉइंट है इसको बिल्कुल एज सिमिलर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको लगानी है विद द हेल्प ऑफ स्केल तो इसके बीच की वैल्यू अब देखो क्या निकली यहाँ पे थर्टी है यहाँ पे फोर्टी है थर्टी एंड फोर्टी इसके बीच का क्या होगा थर्टी फाइव ठीक है तो अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल मिड ऑफ द सीरीज सीरीज का जो बिल्कुल मिडल है वो क्या है थर्टी फाइव है और इसी को हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं क्लियर है अगर अब ये तो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये थर्टी फाइव ही हमारा मोड है तो आपको याद है ये कौन सी सीरीज़ है ये सीरीज़ है हमारी कॉन्टिन्यू सीरीज़ तो कॉन्टीन्यू सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है कॉन्टीन्यू सीरीज़ में मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में अगर हमें कॉन्टीन्यू सीरीज़ हो तो हमें इस फार्मूले को यूज़ करके क्या है आंसर निकालना होता है तो यहाँ पर देखो हम वही फॉर्मूला लिखते हैं तो फार्मूला जो हमारा है वो क्या कहता है कि जेड इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ़ ज़ीरो माइनस एफ़ टू मल्टीप्लाइड बाई आई ठीक है तो ये मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे तो अब इसमें हमें क्या है कुछ चीज़ें ढूंढनी है जैसे क्या ढूंढना है हमें एफ़ वन ढूंढना है तो एफ वन क्या होता है पिछली सीरीज में जाके देखें एफ वन इसमें से हमारा क्या निकलेगा तो ये हमारा क्या है एफ वन है क्योंकि ये सबसे हाइएस्ट वैल्यू है उसके बाद उससे ऊपर वाले को एफ़ जीरो डिनोट करते हैं एफ़ टू इसको और एफ वन के सामने वाले को एफ एल वन ठीक है और इसके बीच का डिफरेंस कितना है थर्टी टू फोर्टी का डिफरेंस जो है वो टेन है जिसे हम क्या कहते हैं आई बोलते हैं क्लास इंटरवल ठीक है तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आई उसको लिख दो एल वन हमारा क्या निकला थर्टी तो एल वन हमारा यहाँ पर लिख दो थर्टी प्लस एफ वन कितना निकला ट्वेंटी फाइव तो लिख दो एफ वन ट्वेंटी फाइव माइनस एफ जीरो कितना है एफ ज़ीरो हमारा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू एफ वन हमारा ट्वेंटी फाइव निकला था माइनस एफ जीरो हमारा ट्वेंटी निकला था एफ टू एफ टू हमारा कितना है ट्वेंटी सो ट्वेंटी यहाँ पर लिख दो फिर मल्टीप्लाइड बाय आई आई कितना है आई हमने अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा दैट इज टेन सो टेन यहाँ लिख दो ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है थर्टी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज फाइव ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई टू फिफ्टी फिफ्टी माइनस ट्वेंटी थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी टेन सो टेन यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय टेन टेन से टेन गया और थर्टी प्लस फाइव दैट इज थर्टी फाइव तो हम ये सीधा सा कह सकते हैं कि जो मोड है हमारा मोड मॉड इज़ इक्वल्स टू थर्टी फाइव जो कि z है तो यहाँ पर भी हमने थर्टी फाइव ही निकाला था तो ये प्रूव होता है कि जो हमारा सम है जो हमने कैल ये निकाला है बिल्कुल परफेक्ट आया है बस एक चीज़ का ध्यान रखना आपको ये विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाना है मैंने फ्री हैंड बनाया है फिर भी अच्छा लग रहा होगा इतना बुरा नहीं बना है तो आप लोग स्केल की हेल्प से बनाएं और अच्छे से बनाएं और ये चीज़ें जो साइड में होती हैं ये लिखनी जरूरी है ये जीरो और ओर लिखना जरूरी है वाई एक्स ये सारी चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली